और बताएंगे सबसे पहले फ्रेंड्स कि लेटर राइटिंग जो एनसीईआरटी का चेंज हुआ है इस साल से कैसे लिखना है, इस वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट ये बात है ये बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स लेटर राइटिंग, यानी कि किसी भी बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या छत्तीसगढ़ बोर्ड या अदर किसी भी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th या 12th में एक लेटर लिखने को आता है, यानी कि पत्र लेखन फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में वही पूरा बताऊंगा कि लेटर कैसे लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ये वीडियो अंत तक देखेंगे फ्रेंड्स तो आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में टॉपिक पे आएगा तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और बताएंगे सबसे पहले फ्रेंड्स कि लेटर राइटिंग जो एनसीईआरटी का चेंज हुआ है इस साल से कैसे लिखना है, इस वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट ये बात है ये बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आप क्लास 10th और 12th के इसको अंत तक बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और चलिए बताते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स कि लेटर कितने टाइप के होते हैं, यानी कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लेटर टू टाइप के होते हैं, यानी कि लेटर दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मल लेटर में किन किन को पोस्ट किया जा सकता है लेटर, यानी किन को भेजा जा सकता है, और इनफॉर्मल लेटर में किन को भेजा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम प्रिंसिपल को भी भेज सकते हैं, या कमिश्नर को भेज सकते हैं, या ऑर्थोनिस्टर को भेज सकते हैं, या हेडमास्टर को, इसमें हम भेज सकते हैं ठीक है। जबकि इनफॉर्मल लेटर जो होता है उसमें फ्रेंड्स हम अपने फ्रेंड्स को या अपने रिश्तेदार को, जो कि हमारे रिलेशन से संबंधित होता है, किसी अपने रिलेशन में भेजा जाता है, उसको इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। और जबकि हमारे प्रिंसिपल, कमिश्नर और अर्थटिस्ट या हेडमास्टर, या अपने अपने से किसी को रिक्वेस्ट करना है अपने मोहल्ले गली को किसी भी चीज को सफाई करने के लिए, तो उसमें हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही लिखेंगे फॉर्मल लेटर, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको क्लास 10th के या 12th के तो ऐसे क्वेश्चन करके पूछता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर सिक लीव। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि एक पत्र लिखना है अपने हेडमास्टर को, अपने हेडमास्टर को आप बीमार है इसलिए, है ना। तो ये जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि किसी पत्र को लिखने के लिए सबसे पहले मेन मेन पॉइंट दो चीज जरूरी होना चाहिए जानना। एक, पत्र किसके बारे में लिखा गया है, और ये पत्र किसको लिखना है, मतलब कि पत्र किस चीज के बारे में है, और दूसरा नंबर बात कि ये पत्र किसको पोस्ट करना है, यानी किसको भेजना है। ये दो चीजें आप हमेशा लेटर में याद रखिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती हो सकती है। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर टू, यहाँ पर टू लिखते हैं कैपिटल में, टी और स्मॉल जीरो यानी ओ लिखते हैं, और इस यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। टू लिख लिए, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और इसके सीधे नीचे लाइन छोड़कर और इसी सामने से लिखेंगे द हेडमास्टर, या आप यहाँ पर जिसको पत्र पोस्ट करना है, जिसको भेजना है, यहाँ पर उसी का यहाँ पर पोस्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने हेडमास्टर को ये पत्र भेज रहे हैं तो यहाँ पर हेडमास्टर लिखें, या आप प्रिंसिपल को देना चाहते हैं तो प्रिंसिपल भी हो सकता है, या अर्थनिष्ठ को भी हो सकता है, या किसी को भी आप पोस्ट पर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हेडमास्टर पे ये बताने जा रहा हूँ, है ना। तो टू कमा लगाए द हेडमास्टर। अब यहाँ पर यहाँ पर रेवती इंटर कॉलेज, मतलब जहाँ पे आप भेज रहे हैं जिस कॉलेज में, वहां पे उस कॉलेज का नाम होना चाहिए, है ना, रेवती इंटर कॉलेज, और वहाँ पे एड्रेस होता है, जैसे कि रेवती बलिया यूपी, मतलब ये यूपी में है, ऐसे आप इतना लिख लिए। अब इसके बाद में बार में मतलब नीचे क्या है मेन पॉइंट, आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने नया करिकुलम अपनाया है उसको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट है ना, तो मेन जिस लेटर के बारे में लिखे हैं ये सब्जेक्ट, ये जो है सिक्स वर्ड में, अधिक से अधिक सिक्स वर्ड में होना चाहिए, यानी कि छह वर्ड में। तो देखते हैं कि इतने वर्ड में लिखे हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, तो 1 2 3 4, ये चार वर्ड में है। अधिक से अधिक जो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए सिक्स वर्ड में, यानी कि छह वर्ड में होना जरूरी है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्यों लिखा जाता है कि जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये मालूम चल जाता है कि ये पत्र किसके बारे में लिखा गया है, इतने ही लाइन से, है ना। देखिए मेन पॉइंट, ये जो सब्जेक्ट होता है ये सही लिखना चाहिए, कि ये अगर छोड़ देते हैं बोर्ड एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है, इसलिए जो सब्जेक्ट होता है इसको परफेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट जो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि छुट्टी के लिए, बीमार है तो आपको छुट्टी चाहिए ना, तो उस पर ये एप्लीकेशन लिखा गया है, ये एग्जामिनर तुरंत पढ़ेगा और समझ जाएगा कि यह लेटर जो लिखा गया है सिक पर लिखा गया है ना।
यहाँ इतना आप जान गए कि जो सब्जेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नया करिकुलम है यहाँ पर, डियर सर, यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे तो डियर हेडमास्टर भी लिख सकते हैं या आप डियर सर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से लिखेंगे तो डियर सर, और यहाँ पर फिर कॉमा लगाएंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि आई वेग टू से दैट आई एम इल। देखिए फ्रेंड्स, आई मतलब मैं, वेग जानते हैं, टू से मतलब कहता हूँ, दैट कि आई एम इल कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, आप समझ रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे आई वेग टू से दैट आई एम इल, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद लिखेंगे आई कैन नॉट कम टू स्कूल 3 या 4 डेज, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 टू। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आई है ना, द आई कैन नॉट, मैं नहीं सकता हूँ, कम आर टू स्कूल मतलब विद्यालय 3 4 डेज यानी कि 3 4 दिन, सो इसलिए काइंडली कृपा करे ग्रांट मी मुझे देने की लीव छुट्टी फॉर 3 टू 4 डेज यानी कि 3 4 दिन के लिए। आप जो अपने हेडमास्टर से क्या लिखे हैं कि मुझे कृपा करें कि मुझे जो बीमार हूँ उसके लिए 3 4 दिन के लिए क्या करें, छुट्टी देने की कृपा करें। इसके बाद लिखना है फ्रेंड्स कि आई शैल बी अटली ओबिलाइलेग्ड, तो यहाँ पर ये लिख देना है फ्रेंड्स, मतलब कि आभारी रहूंगा, मैं आपका क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा। इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको सेम ऐसे ही बड़े एग्जाम में लिखना है, यहाँ पर लिखना है थैंकिंग यू अहेड ऑफ टाइम, मतलब आप इस पर समय देने के लिए आपको क्या देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, योर फेथफुली, मैं आपका वफादार या मैं आपका आज्ञाकारी, और यहाँ पे अपना नाम जो कि बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स, ये बात सुनिए कि बोर्ड एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं या क ख ऐसे करके ग लिख सकते हैं ना, इसमें आपको नाम नहीं लिखना है। और यहाँ पे क्लास लिख देना है फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th लिखिएगा, 12th हैं तो 12th लिखिएगा, दोनों के लिए बताया जा रहा है वीडियो है ना। और यहाँ पे मेन पॉइंट है डेट, देखिए फ्रेंड्स जिस तारीख को आपकी इंग्लिश का पेपर है उस दिन का आप डेट यहाँ पर लिख सकते हैं ना। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट थी, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक, और सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो, और इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, उसके अनुसार मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।